नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहूं न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते आज की दिन भर की बड़ी खबरों पर। भारतीय सेना के जवानों ने मंगलवार यानी 17 सितंबर को स्टैंड लद्दाख इलाके में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में वायुसेना, भारतीय सेना की कई टुकड़ियों के जवान शामिल रहे। चीन के साथ सटे लद्दाख के इस हिस्से के साथ भारतीय सेना के जवानों की इस एक्सरसाइज का रणनीतिक रूप से काफी महत्व है। राजस्थान में बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही बसपा प्रमुख मायावती कांग्रेस के खिलाफ लगातार हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने लगातार दूसरे दिन ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की दोगली नीति की वजह से ही देश में सांप्रदायिक ताकतें मजबूत हो रही हैं, जनता सावधान रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि विवाद को लेकर चल रही बहस खत्म होने की डेडलाइन तय हो गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने तमाम पक्षों से कह दिया है कि अयोध्या विवाद में बहस 18 अक्टूबर तक खत्म कर ली जाएगी। इस पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेफादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सभी पक्षों को पूरा वक्त मिलना चाहिए। सुनवाई के साथ साथ मध्यस्थता के कोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये चिट्ठी लीक कैसे हो गई, मुझे चिट्ठी का खेल समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को कैसे पता कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, अभी तो सुनवाई चल रही है। बीजेपी शिवसेना नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी और हमें उस पर पूरा भरोसा है। गृह मंत्री अमित शाह के देश को एकजुट करने के लिए हिंदी भाषा में अहमियत दिए जाने की बात कहे जाने पर हिंदी को लेकर बहस शुरू हो गई है। ज्यादा विरोध के सुर दक्षिण भारत से सुनवाई दे रही है। कई दिग्गजों की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद अब नेता से अभिनेता बने रजनीकांत ने भी वन नेशन वन लैंग्वेज का विरोध किया है। वन नेशन वन लैंग्वेज का विरोध करते हुए फिल्मी अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि हिंदी भाषा को किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी से झगड़े के दौरान गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी और उसके बालों को भी नहीं बख्शा। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति मौके से फरार हो गया। लाहौर पुलिस इसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। राजकुमार रॉय और मोनी रॉय स्टारर फिल्म मेड इन चाइना का ट्रेलर रिलीज हो गया है। मिखिल मुशले के निर्देशन में बनी ये कॉमेडी फिल्म इस साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। मूवी में अमायरा दस्तूर, परेश रावल, बोमन ईरानी, गजराज राव और सुमित व्यास अहम रोल में दिखेंगे। मेड इन चाइना में पहली बार राजकुमार रॉय और मोनी राय की जोड़ी बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम छेड़ने की अपील की है, तब से इससे जुड़ी इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। प्लास्टिक की बोतलों पर भी बैन लगने की आशंकाओं के बीच अब केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि जब तक इनका कोई उपयुक्त विकल्प नहीं ढूंढ लिया जाता तब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स से रामविलास पासवान ने कहा कि इस इंडस्ट्री से भारी संख्या में रोजगार जुड़ा है। बैन तभी प्रभावी होगा जब हमारे पास उचित विकल्प होगा और नौकरियों का नुकसान रोकने का भी उपाय होगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का फैसला किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर दिया है। मोदी कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए। केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस बार रेलवे के 11,52,000 कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। इस पर रेलवे को 2024 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने ई सिगरेट का पर बैन लगा दिया है। भारत में ई सिगरेट को बनाने और बेचने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ई सिगरेट पर बैन का मतलब इसके उत्पादन, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सुस्ती के बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि ऑटो सेक्टर को जीएसटी काउंसिल रियायत नहीं देगा। उन्होंने कहा कि गाड़ियों पर लगने वाले 28% जीएसटी को घटाकर 18% नहीं किया जाएगा। बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटो सेक्टर में सुस्ती के लिए ऑटो कंपनियां भी जिम्मेदार हैं। मशहूर रेसलर बबीता फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बबीता फोगाट बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। बबीता ने भी संकेत दिए हैं कि वो किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि बबीता का इरादा रेसलिंग को छोड़ने का नहीं है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए सच कहो न्यूज। धन्यवाद।